कन्नौज में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाईवे पर बैठकर हनुमान चालीसा का जाप किया और फिर जोरदार नारेबाजी की। बजरंग दल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि मौलवियों द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काकर हिंदुओं की हत्याएं कराने का काम किया जा रहा है। ऐसे मौलवियों के खिलाफ कठोर कानून बनाकर कार्यवाही की जाए। कभी सिर तन से जुदा तो कभी जिहाद के नाम पर हिंदू युवक युवतियों की हत्याएं किए जाने के मामले को लेकर जिले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता व कार्यकर्ता भड़क गए। धर्म के आधार पर हो रही हत्याओं को रोकने की मांग करते हुए दोनों संगठन के नेताओं ने इत्र नगरी के तिरवा क्रॉसिंग चौराहे पर प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक जीटी रोड पर जाम लगा रहा। इसके बाद जुलूस निकालते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल और विहिप नेताओं ने मांग की है कि देश भर में हिंदुओं को टारगेट करके साजिश के तहत उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इन हत्याओं के पीछे सबसे अहम भूमिका मौलवियों और नेताओं की है, जो कि मुस्लिम समुदाय के अवयस्क युवकों को भड़काकर हत्याएं करवा रहे हैं। जघन्य हत्याओं को अंजाम देने के बाद हत्यारों को अवयस्क होने का कानूनी लाभ मिल जाता है, लिहाजा हत्या करने वाले अवयस्कों के खिलाफ भी वयस्कों की तरह कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और मुस्लिमों को भड़काने वाले मौलवियों व नेताओं के खिलाफ कठोर कानून बनाकर कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि देश में चल रही हिंदुओं की हत्याओं की साजिश को रोका जा सके। आज राजौरी में और असम में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जगह जगह अन्य प्रदेशों में लगभग 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए एक बहुत ही छोटा सा प्रदर्शन है जो बजरंग दल इस समय जनपद कन्नौज में कर रहा है। अगर जो आगे भारत सरकार ने इसका सुधार नहीं किया तो बजरंग दल ऐसे विधर्मियों को घर से खींच कर घसीट कर मारने का काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार को लेनी होगी।